ये नमस्ते अंकल। नमस्ते। बाबू लोहार यहीं रहते हैं? हाँ, आइए ना, आइए। वो भी घर पर नहीं है, आते ही होंगे। अब बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ, बैठिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? राजू। कितने साल के हैं आप राजू? 8 साल। 8 साल। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 4th स्टैंडर्ड। 4th स्टैंडर्ड। आपके पिताजी का क्या नाम है? बाबू लोहारी तो मेरे बाबा का नाम है। राजू, तुम्हारे बाबा की तस्वीर है तुम्हारे पास? हाँ है, मैं अपने बाबा की तस्वीर को हमेशा संभाल के रखता हूँ अपनी किताब में। अच्छा, ऐसा क्यों? अब भगवान की तस्वीर को संभाल के रखते हैं ना। रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें पूछता हूँ, मेरी श्रद्धा है उन पर, मैं उनसे प्रेम करता हूँ। आपने तो जवाब दे दिया, बस इसलिए मैं अपने बाबा की तस्वीर को भी बहुत संभाल के रखता हूँ। ये देखिए। मेरे बाबा दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। अगर मैं किसी चीज के बारे में सोच भी लेता हूँ तो मेरे कहने से पहले ही ला देते हैं वो। बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे। देखो ना, हम गरीब हैं, ये सारा मोहल्ला ही गरीबों का है। सब बच्चे म्युनिसिपैलिटी स्कूल में जाते हैं, लेकिन मेरे बाबा मुझे यहाँ के सबसे अच्छे स्कूल में भेजते हैं। तुम्हारे बाबा क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं तुम्हारे बाबा? आपने देखा नहीं, ये लोहार की दुकान उन्हीं की है। वो रात दिन लोहा कूटते हैं ताकि मैं पढ़ लिख सकूं। उनके एक दोस्त है इंस्पेक्टर प्रधान, वो मुझे उन्हीं की तरह नेक और ईमानदार बनाना चाहते हैं। बाबा, अंकल ये बाबा है। बाबा ये, मैं तो आपका नाम पूछना ही भूल गया। इंस्पेक्टर प्रधान। इंस्पेक्टर प्रधान। राजू अंदर जा, शेरू को लेके जा। आओ शेरू। बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छे और ऊंचे संस्कार से मिले हैं तुमसे, बाबू लोहार। दरअसल 7 सालों से मैं एक मुजरिम की तलाश कर रहा हूं। इस इंतजार में तरक्की के कई मौके आए पर मैंने ठुकरा दी, इसलिए मैं इंस्पेक्टर था, इंस्पेक्टर ही रह गया। लेकिन आज मुझे लग रहा है जो कुछ मैंने खोया उससे कहीं ज्यादा मैंने पा लिया। वो सामने भगवान बुद्ध को देख रहे हैं, वो सिद्धार्थ एक रात अपनी पत्नी और बेटे राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में जंगल में चला गया। परसों बाद जब वो बुद्ध बनकर लौटे तो उनकी पत्नी अपने बेटे के साथ उनके पास पहुंची। बहुत क्रोध था उनके मन में, बहुत कोसा उन्होंने भगवान बुद्ध को। क्या अधिकार था आपको एक बच्चे से उसके पिता को छीनने का? क्या सोचकर आपने अपनी पत्नी को त्याग दिया? आपने ऐसा अन्याय क्यों किया? बुद्ध ने कहा, तुम्हारा पति सिद्धार्थ था, इस बच्चे का पिता सिद्धार्थ था, जो तुम्हें छोड़कर गया सिद्धार्थ था, लेकिन आज जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो सिद्धार्थ नहीं, बुद्ध है। आत्मा बदल जाने से शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। बाबू लोहार, बरसों से मैं जिसे ढूंढ रहा हूं वो कोई और है, और आज जिससे मिलके जा रहा हूं वो कोई दूसरा। मुझे माफ कर देना। और हां, तुम वाकई उधार का नसीब लेकर नहीं आए हो, तुमने अपनी किस्मत खुद बनाई है।